हरे कृष्ण डिवोटीज, आज हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय एक श्लोक संख्या एक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः माम कः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये भगवान के द्वारा कही गई है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र एक जगह है जो कि हरियाणा राज्य में आती है, और वहाँ ये महाभारत का युद्ध लड़ा गया। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कह के सुनाया। तो ये जो पहला श्लोक है, ये धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, जो कि कौरवों के पिता हैं। आप सभी जानते हैं, कौरव और पांडव, ये दो पार्टी थी जिनके मध्य में युद्ध चल रहा था। और उसी में जो पांडवों के पिता थे वो थे पांडु, और जो कौरवों के पिता थे वे हैं धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र वहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं संजय से, ये संजय कौन है। संजय एक व्यक्ति हैं जो कि व्यास देव के शिष्य हैं, और व्यास देव के शिष्य होने के कारण व्यास देव ने इनको एक वरदान दिया, एक शक्ति दी, जिससे कि ये दूर बैठ के भी किसी भी जगह की बात को देख सकते थे और सुन सकते थे। और जो भी कुछ भगवान ने अर्जुन को बताया, वो सारी बातें इन्होंने सुनी और धृतराष्ट्र को कह के सुनाई। तो इसीलिए सबसे जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र के द्वारा संजय को पूछा जा रहा है। और धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि संजय, मुझे बताओ कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, तो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र क्यों कहा गया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र जब पांडवों का और कौरवों का युद्ध नहीं हुआ था, महाभारत नहीं हुई थी, उससे पहले भी बहुत पवित्र स्थल माना जाता है, तीर्थ स्थल माना जाता है। वहाँ पे यमुना जी बहती हैं, यमुना नदी है, और अनेकानेक तीर्थ स्थल वहाँ पे हैं। वहाँ आज भी लोग जाते हैं, जब ग्रहण इत्यादि लगते हैं तो वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। अनेक अनेक तीर्थ स्थान और मंदिर वहाँ पे हैं। तो इसीलिए धृतराष्ट्र को ये संशय होने लगा, ये डाउट उसको हुआ कि जो मेरे पुत्र हैं, कि वहाँ पे जाके उनका जो मन है वो बदल तो नहीं गया, युद्ध करने की इच्छा से गए हैं। कह रहे हैं श्लोक के अंदर कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से गए हुए मेरे पुत्रों के, जबकि बता रहे हैं कि ये जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र है वहां पे गए तो हैं, लेकिन तीर्थ स्थान में दर्शन करने नहीं गए हैं, जबकि युद्ध की इच्छा से गए हैं। और किसके साथ युद्ध करने गए हैं, पांडु के पुत्र, मतलब पांडव। पांडवों के क्या क्या नाम है, एक है युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव, ये पांच पांडव हैं। और इनके साथ कौरव, जिसके अंदर सबसे मुख्य हैं दुर्योधन, तो इन दोनों के मध्य में युद्ध है। तो पूछ रहे हैं कि वो युद्ध की इच्छा से गए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है ना, और क्या वे कर रहे हैं। इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं क्योंकि धृतराष्ट्र को शक है, डाउट है कि ऐसा तो नहीं कि धर्म क्षेत्र होने के कारण, तीर्थ स्थान होने के कारण मेरे पुत्रों की बुद्धि सही हो गई हो और युद्ध की इच्छा उन्होंने त्याग दी हो और पांडवों को बिना युद्ध के राज दे दिया हो। तो इस संशय के कारण वो पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ कि वहां पर क्या हो रहा है। हरे हरे कृष्णा।